गरीब की बेटी की शादी। मीना अपने पति अशोक और बेटी सुमन के साथ रामपुर गांव में रहती थी। मीना का पति अशोक एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था और उनका एक बहुत अच्छा मकान था। सुमन को बहुत अच्छे स्कूल में डाल रखा था। सुमन बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अशोक भी मीना और सुमन की खुशी का ख्याल रखता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक मानो मीना की खुशियों पर नजर लग गई। अशोक को अपने कुछ बिगड़ैल दोस्तों के साथ रहकर शराब पीने की आदत लग गई। अक्सर पार्टियों और शराब पर पैसे उड़ाने लग गया। अशोक रोजाना देर रात को नशे की हालत में घर लौटता था। एक दिन की बात है, देर रात अशोक नशे की हालत में घर लौटा तो उसकी पत्नी मीना उससे गुस्से में बोली, ऐसा आप कब तक करते रहेंगे? शराब से आपकी सेहत को नुकसान हो रहा है, आप समझते क्यों नहीं हैं? मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूँ तो तुझे क्या परेशानी है? मैं रोज पीऊंगा, तुझे यहाँ नहीं रहना है तो चले जाए यहाँ से। अशोक की गंदी आदत बढ़ती जा रही थी। हर समय नशे में चूर रहने की वजह से दिन में सोता रहता था, इसलिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। धीरे धीरे अशोक ने अपना सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि घर भी। वो मीना और सुमन को लेकर किराए के मकान में रहने लगा। मीना परेशान रहने लगी। एक दिन सुमन के स्कूल से फीस का नोटिस आता है, जिसे पढ़कर मीना बहुत परेशान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे ये सुमन के स्कूल से फीस का नोटिस, अब मैं कहाँ से पैसे लाऊं? स्कूल की फीस कैसे भरूं? मीना ये सब सोच रही थी, तभी सुमन वहाँ आती है और कहती है, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। हाँ हाँ रुक जाओ, मैं बस सब्जी वाले की दुकान से आलू लेने जा रही हूँ, फिर तेरे लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ के आलू के पराठे मुझे बहुत पसंद है, जल्दी से बना दीजिए। तभी मीना की सहेली ममता का फोन आता है। सहेली के बार बार पूछने पर मीना सारी परेशानी बता देती है। ममता, बस यही सोच रही हूँ कि अभी सुमन की फीस भरनी है, घर का खर्चा सब कैसे होगा? अरे तो घबरा मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तो इस वक्त कहाँ है। सुमन को मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, तो आलू लेने जा रही हूँ। आलू के पराठे से याद आया कि तू कड़ी चावल कितना स्वादिष्ट बनाती है, याद है सब उंगलियाँ चाटते रह जाते थे, तो कड़ी चावल बनाकर क्यों नहीं बेचती? इससे तेरी कमाई भी हो जाएगी और थोड़ा बहुत परिवार का भी खर्चा उठा पाएगी। ममता की इस बात से मीना को एक उम्मीद की किरण मिली, पर वो सोच रही थी कि वो ये सब कैसे करे। अगले दिन उसने कड़ी चावल बनाए और पतीले में लेकर घर के पास सड़क के किनारे पर बैठ गई। पूरा दिन वहाँ धूप में बैठी रही, पर किसी ने भी उसके कड़ी चावल नहीं खरीदे। शाम को वो घर आ गई, कड़ी चावल बिल्कुल भी नहीं बिके। वो घर आकर रोने लगी, मैं क्या करूं भगवान, कोशिश की पर कामयाब नहीं हुई, मुझे हिम्मत दो भगवान ताकि मैं अपने परिवार का खर्चा उठा पाऊं। माँ, जब मैं कभी परीक्षा में अच्छा नहीं करती तो तुम ही तो मुझे कहती हो दोबारा मेहनत करो, आप भी कल दोबारा कोशिश करना माँ। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है, तू सही कह रही है, मैं कल एक बार फिर कोशिश करूँगी। मीना कल दोबारा कड़ी चावल बेचने जाती है। पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता है। मीना निराश हो जाती है कि तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है, आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? यहाँ आसपास खाने की दुकानें बंद हो गए हैं, आपको यहाँ देखा तो मुझे लगा यहाँ कुछ खाने को मिल जाए शायद। जी हाँ, मेरे पास कढ़ी चावल है, अगर आप कहो तो एक प्लेट लगा दूं। भूख में तो सब कुछ अमृत है, एक प्लेट कितने की है? एक प्लेट 20 रुपए की है। ठीक है तो एक प्लेट दे दीजिए। मीना कढ़ी चावल की एक प्लेट तैयार करती है और आदमी को देती है। आदमी जैसे ही कढ़ी चावल का पहला निवाला खाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो मीना से कहता है, वाह क्या बात है, कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट है, आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा? क्योंकि मैं पहले यहाँ कई बार आया हुआ हूँ। जी आप सही कह रहे हैं, मैंने अभी बस कुछ दिन पहले ही कढ़ी चावल बेचना शुरू किया है। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ही प्लेट बिका था, लेकिन उस एक प्लेट के कढ़ी चावल के पैसों से मीना को बहुत हिम्मत मिली
और मीना अगले दिन फिर से कड़ी चावल लगाकर बैठ गई। कुछ देर बैठने के बाद पिछले रात वाला ग्राहक फिर से आया और इस बार उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। आपने पहचाना मुझे, कल आपके कड़ी चावल बहुत स्वादिष्ट लगे, तो आज मैं अपने पार्टनर दोस्त को भी खिलाने आया हूँ, दो प्लेट लगा दीजिए। अभी बना देती हूँ साहब। ऐसे ही धीरे धीरे मीना के पास ग्राहक आना शुरू हो गए और उसकी कमाई शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में मीना के पास सुमन के स्कूल की फीस भरने लायक पैसे जमा हो गए। वो सुमन के स्कूल की फीस भरना चाहती थी। उसी रात मीना संदूक में पैसे रख रही थी, तभी उसके पति अशोक ने देख लिया और गुस्से में बोला, ये संदूक में क्या छुपा रही है, दिखा दिखा जरा मुझे। ये रुपए मैंने सुमन के स्कूल के फीस के लिए जोड़ कर रखे हैं, ये मत ले जाओ। देख मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये रुपए मुझे दे दे जल्दी। अशोक रुपए छीन कर ले जाता है। मीना रोने लगती है। वो सोचती है कि ऐसे तो ये सारे कमाए हुए पैसे शराब पर उड़ा देंगे, मुझे सुमन के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने होंगे। धीरे धीरे मीना का काम चल जाता है। वो किराए पर एक ठेला ले लेती है। अब वो ठेले पर कड़ी चावल बनाकर बेचने लगी। समय बीतता गया। मीना जिंदगी के 15 साल आगे चली गई। पैसों की कमी के कारण सुमन सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई कर पाई। सुमन भी माँ के कामों में हाथ बटाती थी। मीना मेहनत करते करते थक गई थी, लेकिन अभी भी उसके सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो थी सुमन की शादी। एक दिन मीना की वो सहेली जिससे फोन पर बात की थी, वो मीना से मिलने आई। मीना को देखकर उसके आंखों में आंसू भर गए और वो बोली, ये तूने अपनी क्या हालत बना ली, गरीबी के थपेड़े तेरे चेहरों पर आई झुर्रियां बयां कर रही है। अरे तू बैठ ममता, मेरी बेटी से मिल, ये मेरी बेटी सुमन है। सुमन, ये मेरी जोधपुर वाली सहेली ममता है। ममता मौसी, माँ आपको बहुत याद करती है। मीना, मैं इसलिए तेरे पास आई थी कि सुमन के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता है, सुमन भी वहाँ खुश रहेगी और तुझे भी सुमन की किसी भी बात की चिंता नहीं रहेगी। ममता, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, मैं फिर बात कर लेती हूँ लड़के वालों से। मीना को तसल्ली हो जाती है कि सुमन की शादी हो जाएगी। एक गरीब बेटी की शादी करना गरीब की सबसे बड़ी चिंता होती है। ममता उसका रिश्ता पक्का कर देती है। शादी के लिए पैसे जोड़ने के लिए मीना सुबह से लेकर रात तक ठेले पर खड़ी रहती थी। एक दिन मीना को ठेले पर काम करते समय चक्कर आ जाता है, वो नीचे गिर जाती है। सुमन जब ये देखती है तो जोर से चिल्लाती है और मीना के पास आती है और कहती है, माँ माँ के खोलो, माँ माँ क्या हुआ आपको, अरे कोई तो मेरी मदद करो। सुमन की बात सुनकर आसपास के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और मिलकर मीना को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर मीना का चेकअप करता है और सुमन से बहुत ही मायूस होकर कहता है, आई एम सॉरी, सी इज नो मोर, बॉडी से ज्यादा काम किया है इन्होंने, इसलिए बीपी हाई होने की वजह से हार्ट अटैक आ गया। सुमन की तो मानो जिंदगी ही रुक गई। उसकी माँ चली गई, वो बिलख बिलख कर रोने लगी। तभी वहाँ पर अशोक आ जाता है, वो भी मरी हुई मीना के आगे रोने लगता है। सुमन उसे कहती है, बापू मेरी माँ के शरीर को हाथ मत लगाना, सिर्फ आपकी वजह से मेरी माँ आज दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, मीना मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तूने, मेरे पापों कारण तू चली गई। इतना कहने के बाद अशोक ने मीना का अंतिम संस्कार किया और सुमन के साथ उसी किराए के मकान में रहने लग गया। सुमन माँ की याद में दिन भर उदास बैठी रहती थी। अशोक भी अब सुमन की चिंता में परेशान रहता था। अशोक नौकरी करना चाहता था, लेकिन वो काम भी ढूंढता तो कैसे, पूरा गांव उसकी बुरी आदतों को जानता था, जिस वजह से उसे कोई भी काम पर नहीं रखना चाहता था। एक दिन ममता मीना से मिलने आती है। उसके मरने की खबर सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वो अशोक को सुमन के रिश्ते की बात बताती है। देखिए अशोक जी, अब मेरी सहेली मीना नहीं रही, पर अब सुमन की शादी की जिम्मेदारी आपको ही निभानी है। लड़के वाले जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, आप सोच लीजिए और जवाब दे दीजिए। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है।
ममता के जाने के बाद अशोक सोच में पड़ जाता है। उसके पास एक रुपया भी नहीं होते जिससे वो सुमन की शादी कर पाए। वो दुखी होकर रोने लगता है और मीना को याद करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अशोक के घर का दरवाजा खटखटाता है। अशोक दरवाजा खोलने जाता है। सामने से बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ते हुए कहता है, जी नमस्ते, मेरा नाम मोहन है। मीना जी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ सुनकर। आपको कुछ काम था मीना से? जी, एक दिन मैं मीना जी के ठेले पर कढ़ी चावल खाने आया था, तभी उनसे बात हुई। मैं जरूरतमंद लोगों के लिए एक बैंक योजना चलाता हूँ। मीना जी भी मेरे पास रुपए जमा करवाती थी और वो जब भी पैसे जमा करने आती थी तो ये कहती थी, मेरी बेटी सुमन की शादी के लिए काम आएंगे। आज वही पैसे देने आया हूँ। पिछले दिनों उन्होंने मुझे फोन किया था, बेटी की शादी के लिए पैसे की जरूरत है, तो मैं उन्हें पैसे दे दूँ। ये लीजिए, ब्याज लगाकर 400,000 उनके बैंक में जुड़े हुए हैं, आज उन्हें देने आया था। अशोक मीना को याद करके रोने लगता है और बोलता है, मीना तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूली, जाते जाते अपनी बेटी की शादी की भी जिम्मेदारी निभा गई। सुमन बेटी, ये देखो तुम्हारी माँ की तरफ से शादी का तोहफा, ये अंकल जी लाए हैं। ये सब देखकर सुमन रोने लगती है। अशोक उन सब पैसों को सुमन की शादी में लगा देता है और सुमन को ढेर सारा आशीर्वाद देकर खुशी खुशी विदा कर देता है। अनाथ बच्चों का जादुई मिट्टी का घर। लखनपुर नाम के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उनके दो बच्चे थे, चिंटू और पायल। मोहन जैसे तैसे मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाला करता था और वही कमला भी अपने घर का खर्चा चलाने के लिए मिट्टियों के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचा करती थी। और इसी तरह से उनके दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन गांव में एक भयानक तूफान आता है और उस तूफान में मोहन और उसकी पत्नी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और उनके जाने के बाद चिंटू और पायल अनाथ हो जाते हैं। उनके पास अपने घर चलाने का भी कोई साधन नहीं होता और धीरे धीरे उनकी परिस्थिति बिगड़ने लगती है। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दीदी? इतना कहकर चिंटू रोने लगता है। उसी समय पायल कहती है, चिंटू इस तरह हिम्मत नहीं हारते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो। उसके बाद पायल बाहर जाती है और अपनी पड़ोस वाली चाची से थोड़ा सा खाना मांग कर ले आती है और अपने भाई को खिलाती है और कहती है, चिंटू हम इस तरह से अपना जीवन नहीं गुजार सकते, हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्यों ना मैं भी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूं, इस तरह हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और हम लोग अपना घर भी चला पाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी आपकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करूंगा। और उसके अगले दिन से पायल मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देती है और चिंटू भी उसकी मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करता है। और जब वो लोग बाजार में उसे बेचने जाते हैं तो उनसे वो बर्तन कोई नहीं खरीदता। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके मिट्टी के बर्तनों की बिक्री बिल्कुल नहीं होती। तभी एक दिन पायल कहती है, सुनिए काका, आप हमसे ये मिट्टी के बर्तन खरीद लीजिए ना, हम दोनों ने दो दिनों से कुछ नहीं खाया है और अगर आप लोग हमसे ये खरीद लेंगे तो हम आज खाना खा पाएंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए तेरे ये मिट्टी के बर्तन, चल जा यहाँ से। अरे काका एक बर्तन तो ले लीजिए ना। अरे तुझे एक बार में समझ नहीं आती, मुझे नहीं चाहिए तेरे ये बर्तन, और दोबारा मुझे परेशान किया ना तो तेरे ये सारे बर्तन उठाकर तोड़ दूंगा, समझी? काका की ऐसी बातें सुनकर पायल दुखी होकर अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी चिंटू पायल से कहता है, दीदी हम लोग क्या करेंगे, हमारा तो आज भी कोई बर्तन नहीं बिका, तो क्या हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा? नहीं चिंटू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आज खाना लेकर जरूर आऊंगी।
इतना कहकर जब वो लोग जंगल के रास्ते अपने घर जा रहे होते हैं, उसी समय पायल को किसी के कहराने की आवाज सुनाई देती है। चिंटू, मुझे लगता है कोई दर्द से कराह रहा है, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत है, चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। अरे दादी माँ, क्या हुआ आपको? उसके बाद पायल उनके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारती है और कहती है, दादी माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दादी माँ, आप इस घने जंगल में क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटी, वो मैं बहुत दूर से आई हूँ और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। दादी माँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ हमारे घर पर रह सकती हैं। लेकिन बच्चों, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? दादी माँ, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम लोग अनाथ हैं। हाँ दादी माँ, हम लोगों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए हम लोग अपना पेट पालने के लिए ये मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाकर बेचते हैं। तुम लोग बहुत ही बहादुर हो जो इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। हाँ दादी माँ, हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये मेहनत किसी को नजर ही नहीं आती, कोई हमसे ये बर्तन और खिलौने नहीं खरीदता। कोई बात नहीं बच्चों, अब तुम लोग चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत पायल के साथ उसके घर चली जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, तुम लोग इस मिट्टी से एक सुंदर सा घर बनाओ और उस घर में अपनी जरूरतों की सारी चीजें बनाना। पर क्यों दादी माँ? क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये मिट्टी का घर बनाना होगा। ठीक है दादी माँ। उसके बाद पायल और चिंटू मिलकर एक सुंदर सा मिट्टी का घर बनाते हैं, जिसमें सारी जरूरतों की चीजें होती हैं। और जैसे ही वो घर बनकर तैयार हो जाता है, वैसे ही वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, सुनो बच्चों, मैं कोई बूढ़ी औरत नहीं हूँ, बल्कि एक जादूगरनी हूँ, और मैं तो तुम लोगों की बस एक परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम लोग पास हो गए, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय वो जादूगरनी उस मिट्टी के घर को एक सुंदर और आलीशान घर में बदल देती है, और ये देखकर पायल और चिंटू बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, ये मिट्टी का घर तो सच में असली घर में बदल गया। हाँ दीदी, और वो भी इतना बड़ा घर। हाँ बच्चों, और ये कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि एक जादुई घर है, और आज से ये घर तुम्हारा है, और इस घर में तुम्हारे जरूरतों की सारी चीजें मौजूद है। तुम लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अब तुम लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसी समय वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है, और पायल और चिंटू उस घर में जाकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ खाने पीने की और उनकी सारी जरूरतों की चीजें मौजूद थी, और अब उन्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होती, और इस तरह से वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती है आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।